अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल। सो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पाकिस्तानी गर्ल्स रिएक्ट। तो जैसे कि हम जो है वो सारी सिटीज़ को एक्सप्लोर करते आ रहे हैं इंडिया की, सिटीज़ को एक्सप्लोर करते करते हमारा इंटरेस्ट और ज़्यादा बढ़ रहा है इंडिया को एक्सप्लोर करने में। कंपैरिजन वीडियोस के साथ साथ हम चाहते हैं कि हम इंडिया की इंडिविजुअली हर सिटी को भी एक्सप्लोर करें और उसके हर एस्पेक्ट को भी देखें। तो जैसे कि इससे पहले हम दिल्ली सिटी को देख चुके हैं और इसके अलावा हम मुंबई पे रिएक्ट कर चुके हैं। मुंबई में जैसे कि हमें बिल्डिंग्स वगैरह, रोड्स वगैरह यानी काफ़ी अट्रैक्ट की, और इसके अलावा में हमें जो है आईटी सेक्टर, टूरिज्म, ये सब कुछ देखने को नज़र आया। और इसके साथ साथ अब हम जब केरला की बात करें, हाँ, तो केरला में हमें काफ़ी नेचर से रिलेटेड चीज़ें देखने को मिली। और अगर फेमस चीज़ों की बात की जाए तो जैसे कि दिल्ली को हम कहते हैं कि दिल वालों का शहर, और मुंबई को जो है वो सिटी ऑफ ड्रीम्स कहा जाता है। तो ये कि हमें हर सिटी के बारे में जो है वो एक स्पेसिफिक अगर वर्ड में किसी चीज़ को बयान करना हो तो वो वाली चीज़। तो हमें आहिस्ता इस तरह की बहुत सारी चीज़ें इन वीडियोस को देखकर पता चल रही हैं और हमारा इंटरेस्ट बढ़ रहा है इसको देखने में। तो आप हमारे साथ ये सब कुछ देख रहे होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियोस देखने में मज़ा आ रहा हो तो हमें इस जर्नी पे ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग। और अगर हम इस वीडियो का टाइटल है गुड़गांव सिटी इमर्जिंग इंडिया आईटी हब ऑफ इंडिया दिल्ली, तो इस वीडियो को देखते हैं और एंड पे इसके बारे में बात करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। बिल्डिंग्स और लाइटिंग कितनी ज्यादा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं साइबर सिटी गुरुग्राम की, जो नॉर्थ इंडिया का काफी महत्वपूर्ण शहर है। ये शहर इस नाम से पहले गुड़गांव या गुड़गामा के नाम से जाना जाता था। ये शहर नेशनल कैपिटल रीजन यानी NCR का हिस्सा है। वैसे तो ये शहर दिल्ली के शहरी क्षेत्र में मिला हुआ है, लेकिन ये शहर हरियाणा राज्य का भाग है। ये शहर दिल्ली के मुख्य शहरी क्षेत्र से 30 किलोमीटर और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ से 268 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। ये शहर दिल्ली के आसपास सबसे ज्यादा डेवलप्ड सैटेलाइट सिटी है, जहां पर ढेर सारी सर्विस बेस्ड कंपनियां मौजूद हैं। ये शहर समुद्र तल से 217 मीटर की ऊंचाई पर 732 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। 2011 की जनगणना के अनुसार इस शहर में लगभग 11.5 लाख लोग खुशी खुशी रहते हैं, जिनमें 93% पॉपुलेशन हिंदू धर्म में मानने वाले लोगों की है। वही दूसरे नंबर पर 4% शेयर के साथ मुस्लिम समुदाय यहाँ का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय है। वैसे तो इस शहर में काफी ज्यादा स्काईस्क्रैपर्स मौजूद हैं, लेकिन फिर भी भारत के शहरों में ज्यादातर लोग 2-3 फ्लोर वाले घरों में रहना पसंद करते हैं। इस वजह से इस शहर का जनसंख्या घनत्व 1100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इस शहर में उच्च स्तरीय मानव विकास सूचकांक पाया जाता है, जिसे रहने के मामले में भारत के बेहतरीन शहरों की लिस्ट में शामिल करता है। गुड़गांव के शहरी क्षेत्र में आपको HR 26 नंबर प्लेट वाली गाड़ियां दौड़ती मिल जाएंगी। ये शहर देश के सबसे ज्यादा डेवलप्ड शहरों में आता है, जहां पर देश की दूसरी सबसे बड़ी IT इंडस्ट्री मौजूद है। टोटल वेल्थ के मामले में ये शहर भारत का 8वां मोस्ट वेल्दीएस्ट सिटी माना जाता है। वही तीसरी सबसे बड़ी बैंकिंग सेक्टर सेवाएं भी गुड़गांव के अंदर ही पाई जाती हैं। ये शहर मेडिकल सुविधाओं के लिए भी दुनिया भर में मशहूर है, जहाँ पे ढेर सारे वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल्स मौजूद हैं। देश के दूरस्थ हिस्सों से और दुनिया के कई देशों के लोग गुरुग्राम में अपना इलाज करवाने आते हैं। फॉर्च्यून 500 की लिस्ट में आने वाली 250 से भी ज्यादा कंपनियों के ऑफिस गुरुग्राम में मौजूद हैं। ये शहर हजारों स्टार्टअप्स और बड़ी कंपनियों का घर माना जाता है। ये शहर हरियाणा राज्य में हर साल काफी बड़ी इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करता है। हरियाणा राज्य में होने वाली कुल इन्वेस्टमेंट का 70% हिस्सा केवल गुड़गांव में ही आता है। 1970s में सबसे पहले यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिली थी। पहली बार इस शहर में मारुति सुजुकी ने अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप किया था। उसके बाद यहाँ ढेर सारी छोटी छोटी कंपनियों की शुरुआत होती गई। साथ में राजधानी क्षेत्र करीब होने की वजह से इसको काफी ज्यादा फायदा मिला। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली, पानी, सारी चीजें यहाँ पर मौजूद होने के कारण ये शहर इकोनॉमिक जायंट के तौर पर उभरा। DLF कंपनी के आने के बाद मानेसर और सोहना बड़े मैन्युफैक्चरिंग हब और रियल एस्टेट हब के तौर पर उभरे। इसका इतिहास भी हजारों साल पुराना है, लेकिन इसका नाम कुछ ही सालों पहले बदलकर गुरुग्राम किया गया है। हिंदू ग्रंथ महाभारत के गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर ही शहर का नाम गुरुग्राम रखा गया। गुरुग्राम के नाम से भले ही एक गांव लगता हो, लेकिन ये भारत के सबसे मॉडर्न सिटीज की लिस्ट में आता है। यहाँ पर हजारों की संख्या में लंबी इमारतें, बड़े पार्क्स मौजूद हैं। यहाँ का लेजर वैली पार्क 36 एकड़ में फैला हुआ है। इसके अलावा यहाँ ताऊ देवीलाल पार्क, अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क, नविशा पार्क और सुभाष चंद्र बोस पार्क भी शामिल है।
इस शहर की संस्कृति और भाषा भी बेहद ही इंटरेस्टिंग कही जाती है, क्योंकि यहाँ हिंदी इंग्लिश के साथ ही 20 से ज्यादा भाषाएं देखने को मिल जाएंगी। हरियाणा में मौजूद होने के कारण यहाँ हरियाणवी और पंजाबी का रंग आपको देखने को मिलेगा ही, साथ में यहाँ दुनिया भर की कंपनियों के कॉल सेंटर भी मौजूद हैं, जो ढेर सारी भाषाओं में अपनी सेवाएं देते हैं। इसलिए यहाँ अरुणाचल से लेकर गुजरात और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की भाषाएं बोलने वाले लोग मिल जाएंगे, जो सब मिलकर इस शहर की जान बनते हैं और इस शहर को गुड़गांव बनाते हैं। उम्मीद है आपको ये शहर पसंद आया होगा। सबसे पहले जो है वो अगर गुड़गांव की बात की जाए तो जिस तरह पाकिस्तान में भी जो है वो ऑरेंज लाइन का एक स्टॉप है गुड़गांव, मतलब दोनों जगह पे सिमिलर सिटी एज अ वो देखने भी उनके कल्चर से रिलेट करके उन्होंने उस सिर्फ एरिया को एक स्पेसिफिक एरिया को नाम दिया। बाकी अगर डिफरेंट शोभा जात के लिहाज से देखा जाए तो हम ये नहीं कह सकते कि मतलब किसी एक चीज़ के बारे में हमें स्पेसिफिक देखने को मिला कि गुड़गांव जो है वो किसी स्पेसिफिक चीज़ में जो है वो अच्छा है। जैसे कि उन्होंने डेवलपमेंट की बात की कि टॉप सिटीज़ में से जो है वो गुड़गांव है, कि और इंडिया में रहने वाली सिटीज़ में जिसे कहते हैं टॉप सिटीज़ में गुड़गांव शामिल है। और जैसे मैंने ये बात की जो हम भी कह रहे थे कि शायद ये नाम से ऐसे लग रहा है किसी विलेज के नाम पर है गुड़गांव, लेकिन उन्होंने बताया कि ये सिर्फ नाम से इस तरह का लगता है लेकिन असल में इंडिया की मोस्ट एडवांस्ड और मॉडर्न सिटीज़ में से है। और इसके अलावा अगर वहाँ ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात की जाए तो वहाँ पर जैसे हमें मेट्रो ट्रेन्स भी देखने को मिली और सारा रोड्स वगैरह इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ। और इसके अलावा उन्होंने बात की जो मेजर चीज़ इसमें शुरू में स्टार्टिंग में उन्होंने बताई वो ये कि यहाँ पर टेक्नोलॉजी रिलेटेड बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, आईटी से रिलेटेड और सैटेलाइट्स से रिलेटेड, और यहाँ की बिल्डिंग्स में भी इस तरह की कंपनीज हैं जो यहाँ पर इन तरह की चीज़ों में इन्वेस्ट करती हैं। तो नो डाउट कि ये शहर सिर्फ नाम से ऐसा लग रहा था लेकिन इंडिया के सबसे ज़्यादा एडवांस या टेक्नोलॉजी के लिहाज से ये शहर सबसे आगे है। और बाकी इसके अलावा अगर नेचर के लिहाज से बात की जाए तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पार्क्स बताए कि वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी पार्क और काफ़ी दूसरी डिफरेंट तरह के पार्क्स का बताया। और इसके अलावा एक और चीज़ जो इन्होंने मेडिकल्स का बताया कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हॉस्पिटल्स मेडिकल के लिहाज से भी, कि काफ़ी दूसरे कंट्रीज़ के लोग इलाज करवाने इधर आते हैं क्योंकि यहाँ के डॉक्टर्स वगैरह उस तरह की स्किल्स या एबिलिटीज़ रखते हैं जो दूसरी कंट्रीज़ में नहीं है। तो बाकी है कि इस हवाले से अगर मज़ीद आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन हो वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो डोंट फॉरगेट टू गिव अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।